हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मयूरी। स्वागत है आपका विदेश यात्रा चैनल में। आज मैं आपके साथ कुछ नया टॉपिक लेके आई हूँ, जिसके अंदर सभी को पता तो है लेकिन कोई ये टॉपिक के बारे में कभी भी सोचता नहीं है, कभी भी ट्राई भी नहीं करता है। तो आज के पूरा टॉपिक आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं आज आपके साथ लेके आई हूँ वीडियो के अंदर एक मस्त चीज़, जिसको आप सभी को करना चाहिए लेकिन हम कभी नहीं करते। तो आज का टॉपिक ऐसा है कि आपने कंट्री सिलेक्ट कर दी, ठीक है, बट उसके बाद आप क्या करते हो? मुझे जाना तो यहाँ पे है, बट हम कभी भी इसके लिए होमवर्क नहीं करते हैं कि भाई मेरे फ्रेंड यहाँ जाते वहाँ जाते, बट हमने कभी बैठ के होमवर्क नहीं किया है कि कंट्री में जाना है तो मेरी प्रोफाइल वो कंट्री एक्स वाई जेड कंट्री के लिए कितनी एलिजिबल है, मुझे वहाँ कौन कौन सी चेकलिस्ट बनानी है ताकि मैं वहाँ जो भी कॉलेज में जो भी कंट्री में अप्लाई करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ तो मुझे पता चले कि भाई हाँ मैं मेरी जो एप्लीकेशन है ये कंट्री में एक्सेप्ट होगी। बट वो किस तरह के पॉइंट आपको नोट डाउन करके रखने पड़ेंगे और उसके ऊपर रिसर्च करना है ताकि आप अप्लाई कर सकते हो आपकी मनपसंद कंट्री में और आपके मनपसंद कोर्स और कॉलेज के साथ। तो आज मैं आपके साथ ये 10 पॉइंट डिस्कस करने वाली हूँ, जिसका लिस्ट ये है। तो पहला है आइडेंटिफाई विच कैटेगरी, सेकेंड आस्क योरसेल्फ व्हाई आपको कहाँ जाना है, किस तरह से जाना है वो, उसके बाद डिसाइड विच करियर जिसके अंदर आपको जो भी कंट्री में जा रहे हो उसके बारे में आपको देखना है, देन स्टडी डेस्टिनेशन, मोड ऑफ स्टडी, आइडेंटिफाई द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर कंसिडरिंग योर प्रोफाइल, रिसर्च विच एंड व्हाई एंड विच कोर्स, देन नैरो डाउन योर पॉइंट्स कि आप जो भी आप रिसर्च कर रहे हो उसको फिर नोट डाउन करो, उसके बाद एसेस इफ योर प्रोफाइल इज एलिजिबल फॉर जो भी कंट्री के लिए आपने सिलेक्ट किया है कोर्सेज के लिए, एंड देन लास्ट वन यू हैव टू अप्लाई। सो ये 10 पॉइंट है जिसको आपको नोट डाउन करके उसके बाद आपका होमवर्क करना पड़ेगा ताकि जो स्टूडेंट वहाँ जाके प्रॉब्लम करते हैं वो प्रॉब्लम इनको नहीं आए, या फिर कोई भी कंसल्टेंसी या फिर कोई भी एजेंसी के पास जाते हैं और वहाँ उनको जो प्रॉब्लम होती है कि भाई कोर्स कुछ अलग होता है, उनका एजुकेशन बैकग्राउंड अलग होता है, तो ये दोनों मर्ज नहीं होता है और फिर वहाँ जाके एजुकेशन में जो प्रॉब्लम्स होती है ना वो प्रॉब्लम्स ना हो, उसके लिए ये थोड़ा होमवर्क एडवांस में आप करते हो तो आपके लिए सबसे बड़ी बेनिफिट रहती है। तो चलो हम वन बाय वन पूरे डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला पॉइंट है आइडेंटिफाई योर कैटेगरी। आप कौन सी कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हो, कौन से कोर्सेज के अंदर, उसमें भी काफ़ी कैटेगरीज होती है, तो सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कैटेगरीज। सेकेंड पॉइंट है आस्क योरसेल्फ व्हाई यू वांट टू स्टडी फॉर फर्दर। सेकेंडली कि आप जहाँ जो कंट्री से आप अप्लाई करते हो, फॉर एग्जांपल वी आर फ्रॉम इंडिया, तो आप इंडिया से अप्लाई करते हो राइट, तो उसके अंदर आपको कोई अदर कंट्री में अप्लाई करना है तो उसके लिए आपका वही पता होना चाहिए कि क्यों अप्लाई कर रहे हो, कौन से कोर्स में अप्लाई करते हो वो। उसके बाद डिसाइड विच करियर आपको वहाँ जाके आफ्टर स्टडी कौन सा करियर आपको चूज करके उसके अंदर फर्दर आपका जो भी लाइफ में आगे जॉब वगैरह जो भी बिजनेस है जो करना है उसके लिए आपको वहाँ से आइडिया लेना चाहिए कि करियर यहाँ मैं एजुकेशन में ये कोर्स सिलेक्ट करता हूँ या फिर ये कोर्स इससे मुझे आगे करियर में कहाँ बेनिफिट हो सकता है, उसका मैं कैसे यूटिलाइज कर सकता हूँ वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है स्टडी डेस्टिनेशन, आपका स्टडी डेस्टिनेशन कौन सा रहेगा। स्टडी डेस्टिनेशन के अंदर सबसे पहला रहता है कि कंट्री, उसका वेदर और आपकी हेल्थ उसके साथ सूटेबल होती है वो, तो उसके लिए आपको स्टडी डेस्टिनेशन का भी थोड़ा बहुत रिसर्च करना पड़ेगा वाइज, कंट्री वाइज और सिटी वाइज। उसके बाद नेक्स्ट आता है मोड ऑफ स्टडी, आप मोड ऑफ स्टडी में आपको किस तरह की स्टडी आप सिलेक्ट करनी है। काफ़ी कॉलेजेस आपको घर से ही ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करती है, बहुत सारी कॉलेजेस में आपको वंस इन अ वीक जाना रहता है और बहुत सारी कॉलेजेस में डायरेक्ट कंपनीज और इंस्टीट्यूशन के साथ टाई अप रहता है जहाँ पे आपको ट्रेनिंग सेंटर में जाना होता है, वहाँ आपको प्रोजेक्ट बेस्ड ट्रेनिंग देते हैं और थोड़े थोड़े लेक्चर्स आपको ऑनलाइन ट्यूटर गाइड करते हैं। नेक्स्ट रहता है आइडेंटिफाई द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर फॉर कंसिडरिंग योर प्रोफाइल, कि आपका प्रोफाइल के अंदर का जो पर्टिकुलर फीचर होता है जिसके ऊपर आप मेन फोकस करने वाले हो,
जिसके ऊपर से एक्स वाई जेड कॉलेज में आप अप्लाई कर रहे हो, तो आपकी प्रोफाइल कंसीडर होती है कि नहीं वो भी आपको रिसर्च करना रहता है। उसके बाद रहता है आपका नैरो डाउन योर पॉइंट, यानी आपने जो भी अभी मैंने आगे जितने भी पॉइंट बताए वो पॉइंट आपने लिस्ट आउट किए हैं कि नहीं, वो पूरा लिस्ट करना आपका नेक्स्ट पार्ट रहता है। उसके बाद आप पूरा लिस्ट कर दोगे, अभी तक मैंने जितने भी आपको पॉइंट बताए वो पॉइंट को लिस्ट कर दिया। लिस्ट करने के बाद आप चेक करोगे बेस्ड ऑन योर रिपोर्ट कि आप कौन सी कॉलेजेस के लिए, कौन से कोर्सेज के लिए और कौन से इंस्टीट्यूशंस के लिए फुल टाइम, पार्ट टाइम, ऑनलाइन या ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हो, और आपकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ एलिजिबल हो पाएगी वो आप रिसर्च करने के बाद आपको आइडिया आ जाएगा कि हाँ ये जगह पे मैं अप्लाई कर सकता हूँ और दिस प्लेस एंड कोर्स इज रिलेवेंट फॉर माय एग्जिस्टिंग प्रोफाइल एंड माय करियर ग्रोथ। एंड लास्ट वन है एप्लीकेशन। ये सारे आपके पॉइंट्स क्रिएट हो जाते हैं, आपने नोट डाउन कर दिया, पूरा आपका चेकलिस्ट बना दिया है, उसके बाद आप अप्लाई करने के लिए जो जो आपके लिस्ट में से 5 या 6 आपको फिल्टर करके आइडिया आ जाएंगे। उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म जो भी गूगल के ऊपर उनकी जो कंसर्न वेबसाइट होती है वहाँ जाके आप आपकी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट कर दो भरना। तो आपको पूरे लिस्ट के हिसाब से आप एक कंक्लूजन मिल जाएगा कि किस तरह से जाना है, कहाँ आप एलिजिबल हो और किस तरह से अप्लाई करना है। तो आज के वीडियो में मैंने आपको इतना ही बता दिया कि कोई भी कंट्री में जाने से पहले ये चीज़ आपको करनी रहेगी। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूँ मयूरी, साइनिंग ऑफ। जय हिंद।